नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त मैं जो इलाके में खड़ा हूँ, ये आज पूरे भारत की नज़रें इस इलाके पर है। आपको बता दें, इस वक्त मैं लालू राबड़ी आवास के सामने हूँ और इस जगह पर मीडिया का भारी जमावड़ा है। और अपने तरीके से जो विधायक जो है, जो आपात बैठक राष्ट्रीय जनता दल ने बुलाई और वो यहीं राबड़ी आवास पर चल रही है, और अपने तरीके से यहाँ पर जितने विधायक हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो स्थिति है, जो चुनाव की जो स्थिति है, मतलब जिस तरीके से राजनीतिक स्थिति है, माना जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार साल 2017 की तरह जिस प्रकार से उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ वापस आए थे, और वैसी ही स्थिति शायद फिर बीजेपी के साथ ये गठबंधन तोड़ के, जो एनडीए का गठबंधन है, वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको वो तोड़कर वापस राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखा दें, यहाँ पर आपको बता दें जिस तरीके से जो स्थिति है, यहाँ पर लगभग राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का आना शुरू हो गया। 11 बजे से मीटिंग थी, लगभग सभी विधायक पहुँच चुके हैं और यही दरवाज़ा है जिसके पीछे वो मीटिंग चल रही है। जो स्थिति है यहाँ पर बाहर में, मीडिया का जमावड़ा है, अपने तरीके से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। माना जा रहा है कि जो जिस प्रकार से ये जो नया नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल का आना और कांग्रेस का आना, क्योंकि सोनिया गांधी जिस प्रकार की बातचीत चल रही है, और सोनिया गांधी का अपने तरीके से दबाव रहता है लालू प्रसाद पर बात मनवाने के लिए, वो उसका इस्तेमाल होता है, उनका उनकी बात लालू प्रसाद काटते नहीं हैं, तो किस प्रकार से नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत की, अगर क्योंकि जेडीयू जो नीतीश कुमार है उनके आवास पर भी सारे विधायकों को बुलाया गया है, वहाँ पर भी वो एक मीटिंग रखी गई है, तो देखना होगा वहाँ की मीटिंग और यहाँ पर जो राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी आपात बैठक बुलाई, क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि चीज़ें बहुत साफ है, शायद यहाँ पर एक नई सरकार बनाने के लिए, एक नई फिर से नीतीश कुमार शायद फिर से एक बार, जिस तरीके से 2015 से 2020 के बीच में उन्होंने दो दो बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, शायद इस बार भी एक बार और मुख्यमंत्री पद की नई शपथ लेंगे। लेकिन अंतर यही होगा कि बीजेपी की जगह राष्ट्रीय जनता दल इस बार साथी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कितने मुख्यमंत्री किसके होंगे, कांग्रेस को कितने मंत्री पद मिलेंगे, लेफ्ट पार्टी को कितने मिलेंगे, और तेजस्वी यादव, क्योंकि बड़ी सारी बातचीत चल रही है कि तेजस्वी यादव ने होम मिनिस्ट्री की बात कर चुकी है, गृह मंत्रालय जो जिस एक तरीके से नीतीश कुमार जी ने 17 साल से अधिक गृह मंत्रालय अपने पास रखा, तो क्या वो एक झटके में वो अपना गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि ये जो नई सरकार आएगी, इसका क्या मैनिफेस्टो होगा, वो किन किन चीज़ों पर काम करेगी, कौन कौन सी चीज़ों पर बात क्लैरिटी है। नौकरी के मुद्दों पर जिस प्रकार से तेजस्वी ने 10 लाख सीधे सरकारी नौकरियों का वायदा किया था, क्या उस पर बात होगी कि नहीं होगी। लेकिन एक और बात है कि क्या ये सारी मीटिंग किस तरफ लेकर जा रही है, क्या सच में कुछ होगा, या फिर नीतीश कुमार की तरह पहले की तरह हवा बनाकर, जो अपनी मांग है भारतीय जनता पार्टी से मनवा कर, वो स्थिति फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगी और इसे टाल दिया जाएगा, तो देखने वाली बात है। ये पूरा प्रकरण आरसीपी से शुरू हुआ और अभी जो स्थिति है वो सबके सामने है। लगातार हम यहाँ से कवरेज कर रहे हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है तो हमारे चैनल एक्सेस 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।